ये गाड़ी जो सामने आ रही है ना, बहुत इसकी मीन सिंस वी आर लीविंग दिस बिकॉज़ ऑफ अरे एक सडन बार एक बार एक बार एक बार ये बार अपने खटक खटक ये रात को तो रोड दिख रही थी। अंदर दोस्तों भी सब सो रहे हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे ऐसे थोड़ी देर पहले देख लो व्लॉग, बाद में शुरू करेंगे। आज जिस चीज़ के लिए हम मनाली भाग के आए थे ना, वो तो पूरी पूरी अब मिल रही है। और ये अभी से नहीं हो रही, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो रात के 3 बजे से पहले से हो रही है ये। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी मतलब सामने है ना, ये अभी मैं अपने रूम से देख रहा हूँ, पहले पहाड़ है पूरा का पूरा, ये टोटल जितना है ना सब पहाड़ है, तो सब बर्फ में ढक चुका है। कैसा लग रहा भद्दो खड़ी? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घूमने भी चलेंगे। तो खैर अभी सो के उठी हुई है ऐसी है, अब सोचिए रात से ये हो रही है, सो पूरी रात से गिर रही है। खैर रात को तो रोड दिख रही थी, अब तो वैसा पूरी साफ हो गई है, बिल्कुल ही कुछ नहीं बची है। वाह पेड़ कितना, ये देखो इस पेड़ में पत्ते नहीं है, पूरा जम गया है टोटल यार। जिस पेड़ में पत्ते नहीं हो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने के अंदर, मतलब बना ले दूसरी बार आना बिल्कुल सफल हो गया है, बिल्कुल ये सफल हो गया है। बस थोड़ा चाय पीते हैं फिर थोड़ा निकलते हैं पैदल पैदल, थोड़ा टहल के आएंगे। रुक जा रुक जा, हम लोग भी 3 बजे 3 बजे जगे थे, हम लोग सो गए फिर उठे 8 बजे, तब से बैठे 3 बजे करीब, जो बिल्कुल ना गिरनी स्टार्ट हो रही थी ना उस टाइम पे जगे थे, मैं तब से जगा हूँ, तब से देख रहा हूँ बैठ के आराम से। नहीं पूरे दिन गिरेगी है, हम लोग तो यही देखने आए थे, मैं सेकंड टाइम आया हूँ पर मुझे अब देखने को मिली है। इसके चक्कर में शिमला भी गए, शिमला में भी नहीं मिली हमें, स्नो मिली बट लाइव नहीं मिली। दोस्तों चाय के साथ आप व्यू पे एंजॉय लो थोड़ा सा, बाद में मिलते हैं आपसे। अरे नहीं पता है, अब चिड़ियों बर्फ में घूम रही, बर्फ में घूम रही थी, वो जैकेट पहन के घूम रही होगी। मेरे पास भी पिग है एक, ये देखो पिग, ये मेरे पास पिग है, ये सफेद पिग ये भी बर्फ में घूम रहा है। ये बर्फ में जाने का बड़ा एक्साइटेड है यार, अम्ब्रेला होता तो उसको ले जाना। ले जा रहा, आप रखो जहाँ मैंने पैर रखा था उधर उधर। हाँ या ये बार ऐसे खटक खटक बोलती है। ये मोटे को मना कर रहा था ना, मोटा बाहर है पीछे पीछे, देख ना संभल के संभल के संभल के संभल के संभल के संभल के। ओके ठीक है, तो कुछ ऐसा नजर है छत के ऊपर से, मतलब रियलिटी में जो रिस्क लेकर के आए थे वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। चलिए तो इसी के साथ में गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका मैं राज वो सिमरन तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने और अपने पूरी फैमिली का ध्यान रख पा रहे होंगे। तो दोस्तों में जो मैंने प्रॉमिस किया तो मैंने पूरा कर दिया है। अगर आप पहले हो, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो में कितने प्यारे व्यू में दे पाए, प्यारे तो अच्छे ही बोलूंगा मैं। तो पहले आप व्यू पूरे व्यू देखो, इसका एंजॉय लो, उसके बाद अपन मिलेंगे आराम से आके। ये जितना भी दिख रहा है अभी, ये तो खैर अभी 3 बजे से जगा हुआ हूँ तो उस समय कम थी, पर अभी देखो 2-4 घंटे पढ़ने के बाद में ये अच्छी होकर दिख रही है। और जो सामने पूरा ये व्हाइट हो रखा है, पूरी हिल है, टोटली पूरी हिल्स है जो कवर हो रखी है, सामने रिवर ऑलरेडी है। मैं तो चलता हूँ आगे से देख के, चलो मुझे सॉक्स पहन के आई ना, इनको इनको बोल रहा था मैंने कि जूते पहन लो। आप जहाँ पे ये पैरों के निशान नहीं है ना उस पर चल के जाना, पैरों के निशान नहीं है ना वहाँ रखो, कुछ नहीं होगा फिर। हाँ चलो चलो जाओ जाओ,
बस ज्यादा देर रुकना नहीं है। तो ये गुन्नू स्नो के अंदर, बस अब कम से कम स्नो गिर रही है ना, सच में बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे बहुत। बस ये है कि हाथ सुन हो जा रहे हैं पकड़ते हो। अच्छा हो गया स्टैंडी से कैमरा मैंने निकाल दिया। खैर हम मुझे तो रोज ही देखते हो, स्नो देखो आप नीचे देखो कैसा लग रहा है, कुछ दिखाता हूँ। जहाँ पे पैरों के निशान नहीं ना वही रखना पैर। कुछ भी बोलो मजा भाई, ठंड लगे तो लगे, लग रहा चाहिए साला स्नो में आए हुए। कहीं दूर दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है, चादर की जो लेयर है ये देखो, इतनी तो लेयर बन गई, ये देखो इतनी मोटी, चारों तरफ स्नो गिर रही है। अभी लेदर के शूज है क्योंकि ये थोड़ा गीले गीले हो गए, तो लेदर के शूज पहनूंगा निकलता हूँ बाहर, फिर घूम के आऊंगा। कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा, मैं कुछ कहूँ मैं सोच रहा हूँ बस आपको व्यू दिखाता रहूँ। यार दोस्तों देखो वीडियो बना रहा हूँ मैं कसम से, ये हाथ में पूरे सुन हो चुके हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करना, कुछ भी करो पर करो यार। देखो उसके पैसे लगते थे पर कम से कम थोड़ा सा कर दोगे यार, मेरे को तो लगे कि हाँ मेरी मेहनत काम आई है। इस पेड़ से पता चल देगी कितनी ज्यादा गिर रही है। वायर देख रहा है ये जो बीच में है, ये वायर है सोचो इसमें जम गई, अगर कंटिन्यू जमती जाएगी तो ऐसे वायर टूट जाता है जिसके कारण मनाली में ना लाइट आनी बंद हो जाती है। मनाली में क्या हर जगह अगर स्नो ऐसे गिरते रहिए कंटिन्यू तो वायर तो जमना ही जमना, टूट जाते हैं वायर ऐसे ही। तो वैसे तो एंजॉय करने के लिए बहुत है, बस आपकी बॉडी कितना झेल सकती है उसके ऊपर है। अगर आप कभी आते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आप यहाँ पे आते हो और अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हो, अगर लेते हो तो हुए बाकी लोगों के लिए नहीं, अगर आप लेते हो तो रम वगैरह आप साथ में कैरी करके आना, तो आपको ठंड उतनी फील नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पे घूम पाओगे। नहीं तो दोस्तों जो पहली बार आ रहे हैं तो उनको ठंड ज़्यादा फील होगी होगी। पकड़ा भी नहीं जा रहा है, स्नो रुकेगी ना तो वहाँ चलेंगे। देखो देखो तो थोड़ा बना देना, थोड़ा रिव्यू देना था उसके। रिव्यू? I don't have any words to explain the beauty of snow. यार एक ड्रीम पूरा हो गया मेरा, लाइव स्नो देख के। ये तो ये पागल हो गए, दोनों बर्फ को देख के पागल हो चुके हैं। हाय हाय मजा आ रहा है। कल्लू दोनों, कल्लू डांस करो। मुर्गी बन जाते हो अगले दिन, कर देना पेंटिंग करना आपने खा देगा ना, बहुत चिकन भाई तो डांस करने में मजबूरी है, मजबूरी क्या ठंड लग रही है तो डांस करते ठंड कम लग रही है कुछ नहीं। हाँ यार गर्मी आ गई भाई, पागल कैसे जा रहे हैं। अभी हम लोग टेरेस पे आए थे, स्नोफॉल बालकनी से तो दिख रहा है हमारे, पर टेरेस पे इनका मन था, अब जा रहे हैं कैसे मजे से दोनों चंगू मंगू। ऊपर ही रहो अभी आना मत नहीं चाहिए। वाव टेरेस, वाव बहुत ठंड लग रही है मम्मा। भाई साहब एक मिडिल क्लास को यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है देखो कैसे, अपने घर से ट्रेन में बैठो दिल्ली पहुँचो, दिल्ली से बस में बैठो और मनाली आ जाओ, बहुत इजी है। ओके मुझे पता नहीं था ये। देखो दोस्तों मेन मकसद क्या है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाले में क्या, वो सोचता है कहीं ट्रिप करने का मतलब ओ भाई बहुत पैसा लगेगा बहुत खर्च होगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आप खाली ऑर्गेनाइज कर सकते हो ना तो आपकी ट्रिप 5,000-6,000 में बहुत आराम से हो सकती है। हमारी ये ट्रिप खुद 5,000-6,000 में हुई है। और हमारे ब्लॉग में बने रहोगे तो हम एक एक चीज का प्राइस भी बताते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा अरे इतना सस्ता, लेकिन हम इसलिए बताते हैं ताकि जिनके पास कम है
वो भी आ सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा है उनकी तो कुछ बात ही नहीं है, जिनके पास काम है वो भी अच्छा ट्रिप कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कम का कम में करने का सोचते हैं। दोस्तों ब्लॉग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मिडिल क्लास चाहता है कि भाई मुझे घूमना है और वो बजट के कारण डरता है, तो रिव्यू वीडियो जैसे हर बार बनाता हूँ वैसे इस बार भी रिव्यू वीडियो आएगी, जिससे पूरा बजट आएगा कि आप कैसे कैसे पहुंचो, क्या क्या चीज़ें यूज़ करो और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी। स्नोफॉल कैसे चेक करो वो भी मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर, कि कैसे चेक करो कि आपको पता चले कि आने से पहले स्नोफॉल है, और नहीं आप नहीं कर पा रहे हो तो देखो दोस्तों एक ही काम है, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखो बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि है ना हाथ है ना मेरे सुन हो चुके हैं और तब भी मैं मोबाइल पकड़ के रखा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और दोस्तों बने रहो। सच में आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा मैं व्यूज इतने अच्छे अच्छे कि आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। अभी देखो ध्यान, ये अगर आप देख रहे होगे ये पेड़ है, मतलब वो जो आते ना घर में गार्डन में लगे हुए थे वो, अब उसके बजाय कितना ऐसे कैसा स्नो पूरा जम गया है, मतलब ऐसे लेस के बस उसके ऊपर ना लाल लाल गोला डालो और ऐसे उठा के खाने लग जाओ। आप तो खाने भी लगो। मैं खाने एक बार खाने लगा, आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, तो मेरे को प्यास लग गई थी शिमला के अंदर। छू के देखो इसका सच में यार, नहीं छुआ था क्या फायदा था, चलो 1000 रुपए दे रहा हूँ। नहीं नहीं यार उतना देखो उठा, आप एक बार टच, एक बार छू के देखो, स्किल देखो कैसा है, इसको तो हाथ से दबा के देखो यार। वाह आप पहले डरा दो उसको यार, इतने ऐसे लगा जैसे रुई छूते ना, रुई बिल्कुल ऐसे लग रहा है छूने में, रुई छूते जैसे रुई छू रहे बिल्कुल उस तरह से। इतना देखो हिला दो सब नीचे गिर जाएगी, पेड़ को हिलाओ। चलो यार नीचे, चलो भाई नीचे चलता हूँ, मिलते तो ऊपर से आ चुके हैं ठंड के बाद, देखो माँ बेटी की हालत क्या है। मैं नहाएगा नहीं साला। तो दोस्तों ये घर यहाँ पे बैठी हुई है और इनको ऊपर से लेके आ गए कि भाई यहाँ बैठे, बाहर का मौसम दिन पे धीरे 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 और खराब हो रहा है, खराब तो क्या अच्छा ही है, ये तो देखने आए थे तो ये होता है। चलो थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लें फिर बाद में आपसे मिलते हैं। फैमिली मिली, एक सर है एक मैम है, और मतलब एक बोलते हैं ना कि नेचर से अकॉर्डिंग या फिर एक ऐसा मन मिल जाता है किसी का कि हाँ बस स्वभाव से, तो बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं चाहूंगा। वैसे उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है और जैसे हमेशा जो सब्सक्राइब करता हूँ कि एक मीठी सी याद में इसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो एक मीठी याद रखता हूँ जो उनके फ्यूचर में वो देखेंगे, अब आप उनको देखोगे। हाय, मुझे तो बहुत 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 इतना मजा आ रहा है ना, जीवन में पहली बार मैंने तो बर्फ देखी और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमने 2-3 दिन पहले प्लान किया था कि इस बार ऐसा मौसम में जाएंगे जहाँ पे बर्फ का थोड़ा सा वो हो, और ये बार बार तो ऐसा चांस मिलता नहीं है कि आप ऐसे मौसम में आओ या आपके आने पे कहीं पे ऐसी स्नो इस तरह से फॉल करे जैसी आज कर रही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी अमेजिंग एंड फीलिंग अमेज्ड कि ऐसा नज़ारा शायद हमने पहले कभी देखा हो, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और जो ड्रीम था बर्फ और स्नो को देखने का इट हैज़ कम ट्रू राइट नाउ, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर हेयर। और ये भाई साहब की बहुत बहुत शुक्रिया, ही हैज एडवाइज्ड अस इन अ वेरी प्रॉपर वे हाउ टू मैनेज ए प्लान, हाउ टू मैनेज ए ट्रिप इन अ प्रॉपर वे। और आज का भैया के नाम इन्होंने हमें ये दिखा दिया, ही हैड इंसिस्टेड अस टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर हॉलीवुड होटल और लॉज व्हाटएवर इट इज, दो वी हैव बुक्ड इट अर्लियर बट ही हैड इंसिस्टेड मी सिंस वी आर लीविंग दिस बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज विद दिस management of the hotel, but now we are enjoying this since he had advised, so we are very thankful to Mr. Tyagi, thank you very much. Okay, तो normally बस ये मैंने shoot इसके लिए record किया कि कल को जब मैम और सर अपना चाहेंगे कि भाई मुझे देखना है कि हमने कैसे enjoy किया था, तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है यादें मुझे अच्छी लगती है तो सबको अच्छी लगती होगी।
तो बस इतना सा है कि जब चाहे अपनी यादों को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि पूरा जो इतना जो छोटा सा क्लिप है ना कि पूरा कैसा कैसा, इसमें कोई कटिंग नहीं होगी, बस थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कर दूंगा तो बस उसके साथ इसमें मिलेगा और मैम और सर चाहे तो अपने आपको हमेशा देख पाएंगे। थैंक यू। मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं एक जरिया बना आपको आपकी याद दोबारा दिखाने का। थैंक यू। थैंक यू मैम। बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे, ये गाड़ी जो सामने आ रही है ना बहुत स्किड कर रही थी, शायद ये यहाँ के नहीं है, नंबर देखे तो हरियाणा के हैं तभी, क्योंकि अभी थोड़े पहले एक लोकल लेके गया ना भाई, उनकी गाड़ी बहुत आराम से चली गई, क्योंकि वो ये जो टायर के निशान है उस पर लेके गया, बीच में नहीं चलाई, अभी लेके जा रहे हैं, इनके लिए है रिस्की क्योंकि देखो लोकल आदमी है तो उसका एक्सपीरियंस है, वो तो भाई भागते हुए लेके गया, कम से कम 20-30 की स्पीड में लेके गया है। चलो उतार लेगा बंदा अगर ब्रेक नहीं लगाया ना इन्होंने। हाँ इसका ध्यान देना, आप कभी भी आते हो ना कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक नहीं लगाओ आप, मोटा खड़ा है मजे ले रहा है मोटो, इसी के लिए तो आया भाग भाग के यहाँ पे। अरे हमारा तो प्लान था सोलांग जाने का। अच्छा सो कॉल कर दूं मैं यार, नहीं तो वो बोलेगा ये दोनों चबूतरे क्या खा रहे हो। भाई देखो खाना आया था बड़ा मस्त, आलू का पराठा था, देखो होटल में इसके लिए मंगाया हमने, क्योंकि बाहर तो बर्फ भयंकर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो भाई देखें यहीं पे के खा लेते हैं, तो 60 रुपए का पराठा पड़ गया और एक नंबर पराठा बना के दिया, पराठा और चाय ले रहे भाई मस्त, और पराठे भी ये पराठे खा चुका हूँ मैं, और कभी देख लग रहा है जरूरत तो ये भी खा रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं, पैसा लगा सब खत्म कर।